अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर से आपको आगाह करता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने तलीमी इदारों को दोबारा बंद करने के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको मुकम्मल अपडेट देता हूँ, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली मरतबा हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जैसे कि कोरोना के केस दिन ब दिन तलीमी इदारों में बढ़ते जा रहे हैं और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कुछ दिन पहले कहा था कि अभी हमने नहीं फैसला किया कि हम तलीम इदार को दोबारा बंद करें, बिकॉज ऑलरेडी बच्चों का वक्त ज़ाया हो चुका है, हम मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। लेकिन अभी वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा है कि हम सोमवार से पूरे पाकिस्तान के तलीमी इदारे दोबारा बंद कर रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना के केसेस हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और हमने सोचा था कि एसओपीज पर अमल करवाया जाएगा, लेकिन सही तरह एसओपीज पर अमल नहीं किया जा रहा। तो इसी तरह हमारी मजबूरी बन गई है, हम तलीमी इदारों को दोबारा बंद करें। तो सोमवार वाले दिन दोबारा मीटिंग की जाएगी और उस मीटिंग में पूरे पाकिस्तान के आल वज़रा तालीम शामिल होंगे और उसमें जो भी फैसला होगा आपको इसी चैनल पर न्यूज़ दी जाएगी। सबसे पहले हमेशा की तरह सच्चाई के साथ, सबूत के साथ सबसे पहले आपको अपडेट दी जाती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली न्यूज़ में। अल्लाह हाफिज़।